सो वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस मैथ्स के सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि हमें चेक करना है कि 241 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे सबसे पास वाला नंबर जो इससे जस्ट ग्रेट हो, ठीक है, मतलब स्क्वायर के टर्म में। तो जैसे कि मान लीजिए 14 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है। तो अगर 15 का स्क्वायर तो 225, तो 225 का इससे छोटा है, बट अगर 16 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 256। तो 256 क्या है, इससे बड़ा है, तो इसीलिए हमने 16 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर 257 होता तो हम 17 का स्क्वायर लेते, समझ गए आप लोग। तो हमारा ये नंबर चूज़ हो गया। अब इस नंबर का फैक्टर क्या क्या है, 2 है 4 है 8 है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया था। सो जान के रखना है आपको कि अब फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऐसे लिखा था। अगला है दोस्तों कि हमें निकालना है प्राइम नंबर 16 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है। 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ठीक है। सो 241 जो है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर है। अगर ये डिविजिबल होता किसी से भी तो ये प्राइम नंबर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर निकालने के लिए, अगर आप श्योर नहीं है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। अदरवाइज़ अब सिंपल तो खैर कोई भी निकाल ही सकता है कि देख के कि कैसे कैसे हो रहा है, और अच्छा डिवाइड करते जाएंगे, नहीं डिवाइड हुआ तो एक टाइम बाद आएगा, ठीक है, चलो खत्म। बट ये बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, आप इसे श्योर शॉर्ट आंसर निकाल सकते हैं, यही सही है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इसके ऊपर कैसा लगा आपको, और कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोगों से, आपको जो ज़रूरत है किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में या कुछ और के बारे में या कोई टॉपिक के बारे में जानना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स फॉलो कर रहे हैं अभी, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए ताकि आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए अपने आप को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, धन्यवाद।